दिवंगत सुपरस्टार श्रीदेवी और बॉनी कपूर की बड़ी बेटी और एक्ट्रेस जानवी कपूर ने अपनी दमदार एक्टिंग की बदौलत इंडस्ट्री में पहचान बना ली है। एक्ट्रेस ने अपने अब तक के करियर में कई तरह की भूमिकाएं निभाई है और अपनी काबिलियत का लोहा भी मनवाया है। इन सब के बीच जानवी कपूर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती है। एक्ट्रेस शिखर फहारिया को डेट कर रही है। बॉयफ्रेंड के नाम का नेकलेस पहनने से लेकर शादियों में एक साथ शामिल होने तक जानवी और शिखर एक दूसरे के लिए प्यार को जाहिर करने में भी नहीं कतराते। वहीं एक्ट्रेस से हाल ही में पूछा गया कि वह कब शादी के बंधन में बंधेंगी। जानवी कपूर ने पिंकपिला के मास्टर क्लास में कहा, मैं अभी अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, ना तो मेरे पास और ना ही उसके पास अभी मल्टीप्लेक्शन के लिए टाइम है। वहीं जब एक्ट्रेस के एक फैन ने कहा जानवी और शिखर का शिप नेम या हैशटैग जस्सी होना चाहिए, तो अभिनेत्री ने कहा, अरे नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि हैशटैग जनहर होना चाहिए। एक और लेटेस्ट चैट में जानवी ने हिंट दिया कि उन्हें केवल एक बार दिल टूटने का एक्सपीरियंस हुआ था। दरअसल हाउटर फ्लाई के साथ हाल ही में बातचीत के दौरान जानवी कपूर ने रोमांटिक रिश्ते में दिल टूटने के एक्सपीरियंस से क्या सीखा, इस पर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था। इस दौरान एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि वह केवल एक बार दिल टूटने से गुजरी थी, लेकिन सौभाग्य से वही शख्स वापस लौटा और उनके दिल को ठीक करने में मदद की। उन्होंने कहा था, मैंने वास्तव में लाइफ में केवल एक बार दिल टूटने का एक्सपीरियंस किया है, लेकिन वही व्यक्ति वापस आया और मेरे दिल को जोड़ा, तो यह सब कुछ अच्छा था। जानवी कपूर इन दिनों अपने अफेयर को लेकर काफी एक्टिव रह रही है। शरण शर्मा की मिस्टर एंड मिसेस माही में उनकी परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई। फिल्म में उन्होंने राजकुमार राव के साथ स्क्रीन शेयर की थी। अब वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट उलझ की रिलीज की तैयारी कर रही है। इस एक्साइटिंग थ्रिलर में जानवी कपूर ने सुहाना का किरदार निभाया है। इसके अलावा जानवी कपूर जूनियर एनटीआर के साथ देवरा में नजर आएंगी। ऐसी न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए वहट टॉक को सब्सक्राइब करें।